बहुत से लोग कहते हैं कि सिकंदर महान था, परंतु यह असलियत नहीं है। सिकंदर महान नहीं था, बल्कि सिकंदर क्या थे? हत्यारा। सिकंदर क्या थे? हत्यारा। ये देख सकते हैं, ये है सिकंदर। सिकंदर सिर्फ हत्यारा था, वह जो है ना इतना क्रूर शासक था, इतना क्रूर था जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, परंतु बहुत से लोग उसको महान बताते हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली था, मानते हैं वो शक्तिशाली था, वो अपना राज को विस्तार किया, ये भी हम मानते हैं, परंतु इसको हम महान नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वह हत्यारा था। सिकंदर हत्यारा था। सबसे पहले सिकंदर के जन्म के बारे में हम जानते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले उसकी जानकारी रखना आवश्यक है कि सिकंदर का जन्म जो है 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में। वो अभी कहा तो नेपोलियन की जहां पर राजधानी था, प्राचीन राजधानी नेपोलियन की जहां था, वहीं पर सिकंदर का जन्म भी हुआ था, उसे हत्यारा सिकंदर का। और उसकी मृत्यु जो है ना 32 वर्ष की आयु में हो गई। सिकंदर की मृत्यु जो है 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु भी हो गई। समझ गए? इसमें किसी को किसी प्रकार के डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। और वो सिकंदर जो था कहाँ के शासक सबसे पहले बना, ये जो है क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए तो सिकंदर सबसे पहले जो है मेसोडोनिया का शासक बना। सिकंदर सबसे पहला शासक कहाँ का बना? मेसोडोनिया के जो है शासक बन गया। कौन? सिकंदर। जो ये आप देख सकते हैं सिकंदर है, और ये सिकंदर जो थे बहुत ही क्रूर। और सिकंदर का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? सिकंदर का सबसे बड़ा शत्रु उसके पिता थे, जिसको बाप कहा जाता है अपने भाषा में। जिसको बापे से दुश्मनी है, वह किसी दूसरे को कैसे हो सकता है? आप लोग ये जान सकते हैं। इसमें कितने आदमी को अपने बाप से जो है, यानी अपने पिता से दुश्मनी है? एक हाथ उठाइए तो। किसी को नहीं, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। समझ गए ना? लेकिन सिकंदर जो था ना, उसके जो है अपने बापे से दुश्मनी था, और अपने जो है बाप को अपने रास्ते से हटाने के लिए, अपने जो है शासक शासन पर बैठने के लिए, अपने आप को, अपने बाप को ये जो है ना गला घोट दिया। गला घोटने का अर्थ जानते हैं ना? उसको जो है ना गला काट दिया। कौन? सिकंदर। सिकंदर खुद को जो है शासक बनने के लिए, यानी राजा बनने के लिए, अपने पिता को हत्या कर दिया। तो समझ सकते हैं कि ये दूसरे को कभी छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। और सिकंदर जो जब अपने पिता को हत्या कर दिया, तो वो तो शासक बन ही गया। इसके बाद उसके रास्ते में रुकावट और आया। उसके जो थे चचेरा भाई था, उसके चचेरा भाई किसका? सिकंदर का चचेरा भाई। सिकंदर का जो चचेरा भाई था, और उसको और एक और उसका भाई था, ये सौतेला भाई जिसको कहा जाता है। सौतेला भाई का अर्थ जानते हैं ना? जिसके पिता को जो है ना डबल शादी हुआ होगा, वह जानते होंगे। जिसके पिता को डबल शादी नहीं हो जाते हैं, यानी दो तीन शादी कर लेता है जिसके पिता, उसके जो है अलग अलग मतारी से जो है ना अलग अलग जो संतान उत्पन्न होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सोतेला भाइया पहन कहते हैं। उसको भी हत्या कर दिया। सिकंदर अपने सोतेला भाई और क्या कहते हैं चचेरा भाई, दोनों को जो है हत्या कर दिया। उसके रास्ते का ये रुकावट था ना, इसलिए उसको हत्या कर दिया। समझ सकते ये कितना निर्दयी था, यानी कितना दुष्ट शासक था। कौन? सिकंदर, जिसको हम लोग महान बताते हैं। अरे कैसे हम उसको महान बता सकते हैं, आप ही लोग बताइए तो। और सिकंदर का गुरु था कौन? अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु। समझ गए? और गुरु क्या होते हैं? ईश्वर की तरह होते हैं। हम लोग गुरु को कैसे आदर करते हैं? भगवान की तरह आदर करते हैं। किसको? गुरु को। परंतु सिकंदर ऐसा शासक था, जो अपने गुरु के जो भतीजा था ना, यानी अरस्तु के जो भतीजा था, कौन? कालास्थनी। अरस्तु के भतीजा कौन था? कालास्थनी। उसको भी हत्या कर दिया किसी कारण से। कौन? तो सिकंदर। बोलो अब ये अच्छा हुआ नहीं हुआ? जो अपने गुरु के भतीजों को हत्या कर दिया, कौन? ये सिकंदर। सिकंदर हत्या कर दिया किसको? कालास्थनी को। ये जो थे बहुत ही गलत कर दिया। और इतना ही नहीं, जहां जहां वह शासन किया,
ने जिस जिस राज पर जो है ना वो अपना कब्जा जमाया सिकंदर, उस राज के जो है ना स्त्री को बलात्कार करते थे, यानी जिस राज पर आक्रमण करके उस राज को जीत लेते थे, उसकी जो महारानी सब नहीं होते हैं, राजा के रानी जो होता है, यानी राजा के जो पत्नी होता है उसको क्या कहते हैं, रानी कहा जाता है, यानी महारानी। जब वो हार जाते थे राजा, तो उसकी पत्नियां को यानी रानी को क्या करते थे, अपने पास बुलाते थे। क्या करते थे? अपने पास कौन बुलाते थे? सिकंदर। और उसको जो है ना नग्न कराकर क्या जानते हैं, यानी वस्त्र उतरवा करके उसको उससे जो है ना डांस करवाते थे, सिकंदर डांस करवाते थे। अब उसके साथ जो थे, समझ गए क्या करता होगा, और जो बाद बाकी की जो स्त्रियां सब रहती थी ना, उसको जो है अपने सेनापति के पास भेज देते थे, उसको मन बहलाओ, समझ गए। ऐसा था ये सिकंदर, तो उसको महान कैसे बता सकते हैं, आप ही लोग जरा सोचिए तो। पर तो ऐसा करते नहीं है, बिना सोचे समझे कह देते हैं कि सिकंदर महान शासक था। अरे महान शासक कैसे हो गया, ये महान शासक का कारनामा है। अपने भारत के शासक पर जरा नजर डालिए, अपने भारत का ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ कि दूसरे देश पर जाकर के अधिकार किया होगा, या दूसरे देश को जो है नजर उठा करके या गलत दृष्टि से देखा होगा। कोई ऐसा राजा का नाम बताओ तो जो दूसरे देश के ऊपर जो है कब्जा किया होगा या आक्रमण किया होगा, ऐसा है कोई शासक? नहीं है। फिर दूसरे देश का शासक तो इतना क्रूर, इससे भी तो क्रूर था चंगेज खान, चंगेज बा। परंतु सिकंदर भी उससे कम नहीं था, समझिए। सिकंदर जो थे बहुत ही हरामी क्वालिटी का था व्यक्ति, समझिए ना। वो जो थे स्त्री सबको जो है ना, जिस स्त्री को नाक मुख केस जो सुंदर लगता था उसको अपने पास बुला लेते थे। कौन? सिकंदर। ये इतना हत्यारा था, और उससे जो है डांस प्रोग्राम करवा करके उसके साथ जो है गलत संबंध बनवा करके उसको फिर हत्या करवा देते थे। और सिकंदर का एक और खूबी था जो आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं। सिकंदर का खूबी ये था कि जिस राज पर आक्रमण करते थे उस राज को जीत लेते थे, और उसके जो बच्चे सब रहते थे उस राज में, बहुत से बच्चे बच्चियां रहते हैं ना, तो उस बच्चे बच्चों को क्या करते थे, अपने सैनिक को आज्ञा देते थे जाओ और उसको मुंडी काट दो। क्या कर दो? मुंडी काट दो। और मुंडी काट करके भाला को जो है ना गोच देता था उसको, और अपने राज में घुराते थे ले जा करके, ये मुंडी दिखाते थे सबको। अब कोई जो है जरा भी हमारे शासक के ऊपर जो नजर उठा करके देखा, उसको भी हम यही हाल करेंगे, सबको चेतावनी ही चेतावनी देते थे। इसलिए उसकी मृत्यु हो गया कितने वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में। कितना दिन ये सुख भोग किया आप लोग ही बताइए, समझ गए ना। और ये जो जब युद्ध करने जाते थे सिकंदर साहब, जब युद्ध करने जाते थे तो वो शराब पी करके जाते थे, शराब पी करके जाते थे। ये बहुत शराबी भी था, और शराबी पी करके युद्ध में गया और मारा गया, और अच्छा हुआ जो कि सिकंदर जो है ना मारा गया, नहीं तो जिस राज का वो शासक रहता उस राज को जो है सुहाय कर देता, समझ गए ना। तो ईश्वर की भला है कि ऐसे आदमी जो है पृथ्वी पर से चला गया, नहीं तो समझ लीजिए क्या करता है ये सिकंदर आ गया।